हेलो नमस्कार दोस्तों, 2 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में उमंग हो, उल्लास हो, सब कुछ आए और इस बार आए सब लोग IAS बन जाएं। तो चलिए अब डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया वो मेनली साउथ चाइना सी के बारे में है और मेनली चाइना की डोमिनेंस के बारे में भी है। तो चाइना के बारे में जो आर्टिकल आया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, किस तरीके से चाइना की डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है और इंडिया उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी क्या हाल है चाइना को लेकर, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी आर्टिकल को देख लेते हैं। देखो आर्टिकल ये कह रहा है GS2 के लिए आपको हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया के फॉरेन पड़ोसी देश है उनके साथ रिलेशन वगैरह के पॉइंट में हम इस आर्टिकल का यूज है वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि देखो चाइना है वो आज एक ग्लोबल पुलिसमैन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ग्लोबल पुलिसमैन का काम था वो कर रहा था USA। ग्लोबल पुलिसमैन का मतलब जहां भी कहीं हो एक तरीके से चौधरी पने का जो काम होता था वो कर रहा था पहले USA, बट आजकल USA है वो ट्रंप के आने के बाद धीरे धीरे अपनी पॉलिसी है वो स्विंग करता जा रहा है। मतलब USA है वो बाकी कंट्रियों में अपनी प्रेजेंस है वो कम करता जा रहा है, चाहे अफगान की बात हो चाहे बाकी और किसी कंट्री की। तो ग्लोबल पुलिसमैन का जो काम था USA का वो तो कब खत्म कर रहा है और चाइना उसकी जगह लेते जा रहा है। क्योंकि देखो इंडिया के पास है ना तो इतनी बड़ी मिलिट्री है और ना ही इतनी बड़ी इकोनॉमी है जितनी चाइना की है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है, बट इंडिया अभी भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो अकेला चाइना को काउंटर कर सके। तो इसलिए इंडिया को भी कुछ सारे स्टेप उठाने होंगे चाइना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है उसे काउंटर करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। क्योंकि देखो बात ऐसी आती है कि सबसे पहले हम साउथ चाइना वाला सीन देख लेते हैं। ये मान लिया साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट वाला हिस्सा, मतलब साउथ चाइना के जस्ट नीचे वाला साउथ का जो एरिया है जहाँ पे फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया की जो कंट्री, वियतनाम वगैरह, इसके जो वाला है इस एरिया है इसमें। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे आप देख पा रहे हो स्पार्टली आइलैंड हुए या पैरसल जो आइलैंड्स हुए, तो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना तो इन पे डोमिनेंस की बात आती है। कभी तो कहना है कि भाई चाइना मेरे ये कंट्रीज कहती है मेरे, क्योंकि इनके क्या कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना वो आपस में टकराते रहते हैं। जैसे इस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ तक आता है, इसका यहाँ तक, तो आपस में इनके जोन है वो मर्ज होते रहते हैं, तो उसको लेकर आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो चाइना कहता है कि भाई स्पार्टली आइलैंड है वो मेरे। फिर काफी सारे इश्यूज ये आते हैं कि चाइना इस वाले एरिया में क्या कि आर्टिफिशियल आइलैंड है वो उनका निर्माण कर रहा है, मतलब कचरा इन एरिया वाले एरियो में डंप करता जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो आइलैंड का रूप है वो लेते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से चाइना फिर कहता है कि भाई ये आइलैंड मेरा है तो इससे 220 नॉटिकल माइल का एरिया मेरा हो जाएगा। तो मतलब चाइना अपनी विस्तारवादी पॉलिसी है उसको लगातार आगे फैलाता जा रहा है। तो इसलिए साउथ चाइना सी में काफी डिस्प्यूट रहता है। और यहाँ पे मलक्का स्टेट जो हमने डिस्कस की थी कि मलेशिया और मैं यहाँ पे इंडोनेशिया के बीच से जो मलक्का स्टेट पास होती है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री सिंगापुर भी है, तो सारे पोर्ट्स देखा मैपिंग में हमने डिस्कस भी किए थे। अब यहाँ चलते हैं हम आर्टिकल तरफ। आर्टिकल साहब ये कह रहे हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि देखो USA है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगातार पीछे भाग रहा है, मतलब USA अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागता जा रहा है और इस बात का फायदा उठा रहा है चाइना। चाइना है वो क्या कर रहा है, अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ अग्रसर कर रहा है और USA लगातार पीछे जा रहा है। क्योंकि देखो एक गैप बनता है, USA पीछे जा रहा है तो चाइना उस जगह को कवर करने के लगातार आगे आ रहा है। तो चाइना का जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात ले लो, या फिर इंडिया की सोनिटी का इश्यू वाला मुद्दा ले लो, या फिर साउथ चाइना सी में चाइना की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही स्पार्टी आइलैंड का जैसे मैंने भी आपको बताया वो वाला मुद्दा हुआ, मतलब बात यह है कि चाइना अपने आप को लगातार एसर्ट कर रहा है। चाइना अपने आप को पूरे वर्ल्ड में किसी ग्लोबल पुलिसमैन की तरफ अग्रसर कर रहा है। चाइना के पास इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, चाइना के पास फंड वगैरह भी काफी अच्छा है, और चाइना के पास देखा जाए तो मिलिट्री भी काफी अच्छी है। तो इन सारी चीजों का चाइना वो फायदा उठाते जा रहा है। और फिर राइटर कह रहे हैं देखो भाई इंडिया है ना उसको एक तरीके से प्लान फॉर्म में काम करना होगा। अभी इंडिया अगर चाइना से काउंटर या चाइना से टक्कर लेना चाहता है तो इंडिया को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होगी और फिर काउंटर करना होगा। ऐसे आनंद फानंद में कोई स्ट्रेटजी बना के चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। देखो चाइना की जो विस्तारवादी पॉलिसी है ना उसका एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि किस तरीके से चाइना ने श्रीलंका के अंदर हम्बनदोता पोर्ट था वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई और फिर हम्बनदोता पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लगातार खरीद लिया। तो मतलब एक तरीके से चाइना क्या करता है, सभी कंट्रीज को जो अपनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, नेपाल की बात ले लो, मालदीप की बात ले लो, इवन बांग्लादेश की बात हो, म्यांमार वगैरह, इन क्या करता है पहले तो इन्वेस्टमेंट कर देता है हर जगह बिना कुछ सोचे। मतलब चाइना का पूरा प्लान होता है उन कंट्रीज में ऐसी इन्वेस्ट करता है जहाँ पे रिटर्न कम हो। अब ऑब्वियसली जैसे श्रीलंका ने कहता था हम्बनदोता पोर्ट के लिए चाइना से लिया था लोन, अब लोन का जो ब्याज था वही चुका नहीं पाया था चाइना को श्रीलंका, तो इसलिए फिर हुआ क्या, उस लोन को चुकाने के लिए वापस चाइना के लिए चाइना के साथ लोन लेना पड़ा श्रीलंका को। इसलिए क्या हुआ कि लोन के ऊपर लोन लेता गया, कर्ज पे कर्ज बढ़ता गया और एट लास्ट में हम्बनदोता पोर्ट है वो श्रीलंका को बेचना पड़ा चाइना को। तो मतलब हुआ क्या कि श्रीलंका की धरती पर चाइना की प्रेजेंस वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी पॉलिसी है उसका आगे यूज है वो करता रहता है।
तो फिर यहाँ पे बात क्या आती है, अब अल्टरनेटिव फिर कह रहे हैं कि देखो इंडिया है ना उसको अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ करना होगा, इसके साथ अपनी मिलिट्री है उसको भी आगे लेके जाना होगा, मतलब इंडिया को अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों को स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी वो चाइना को काउंटर कर सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की, वो उसका देखो अक्टूबर 2017 में एक नई ईरा की बात की गई थी, उनका एक कांग्रेस हुआ था अक्टूबर 2017 में जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी, उसमें ये बात की भाई की नई ईरा है उसमें माओ की तरह ही जो अभी चाइना के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग वो लगातार अग्रसर है, मतलब पहले माओ वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया था चाइना को एक करने में और चाइना को आगे ले जाने में, सेम उसी तरीके का रोल है वो अभी वहां चाइना के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं सॉरी जी जिनपिंग वो लगातार इस रोल को निभा रहे हैं। तो देखो वहां पे जी जिनपिंग के जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां के संविधान में संशोधन भी किया जा रहा है, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान बनाया था इसमें काफी चेंजेस किए जा रहे हैं। अभी क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी वहां पे ये प्रावधान है कि चाइना के अंदर कि वहां पे कोई भी एक राष्ट्रपति है वो मतलब दो बार अपना कार्यकाल वापस संभाल सकता है, केवल 10 साल के लिए बन सकता है, बट क्या है अभी वो संशोधन करके ये चाहते हैं कि कितनी भी बार राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, मतलब वो जी जिनपिंग के लिए अगली तीसरी बार राष्ट्रपति चुनने का रास्ता वो भी क्लियर करे, क्योंकि जी जिनपिंग है वो माओ की टाइम की तरह ही वापस अपने आप को एसेट करे, मतलब जिस तरीके से माओ ने चाइना को आगे लेके गए थे उसी तरीके से जी जिनपिंग है वो भी चाइना को काफी आगे लेके जा रहे हैं और चाइना की जो वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ा रहे हैं, मतलब साफ है कि चाइना अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसके बाद में राइटर कह रहा है कि इंडिया है वही एक बुलवर्क है एशिया में जो चाइना को काउंटर कर सकता है, मतलब इंडिया एक तरीके से एक डैम बांध का काम कर सकता है जो भी चाइना की सारी बातें उनको सहन कर सकता है, चाइना का विरोध कर सकता है। इसके बाद में बात आती है जो इंडिया के पड़ोसी देश कंट्रीज है, मतलब देखा जाए तो भूटान की बात हो, श्रीलंका की हो, नेपाल में हो, मालदीव में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका का भी हमने एग्जाम्पल देखा, इसके साथ ही साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह, इन सारी कंट्रीज के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, मतलब चाइना क्या करता है विस्तारवादी नीति के साथ इनका यूज है वो करता है और इसकी वजह से इन सारी कंट्रीज को अच्छा लगता है। बट राइटर कह रहे हैं देखो इंडिया को भी कुछ करना होगा, अगर इंडिया वहां इंडिया इन कंट्रीज के साथ लेना चाहता है तो भाई इंडिया को कुछ ना कुछ तो खर्चा वगैरह करना पड़ेगा ना, इंडिया को भी इन्वेस्ट करनी होगी, ऐसा नहीं है कि इंडिया बिना इन्वेस्ट करके सिर्फ बातें करते रहेगा और इंडिया को कुछ मिल जाएगा। साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां भी अगर इंडिया अपनी अप्रोच इंडिया अपने आपको आगे ले जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को प्रोएक्टिव अप्रोच है वो अपनानी होगी ना कि रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि भाई चाइना जैसे इंडिया है अगर चाइना के साथ कुछ भी इश्यूज होता है तो इंडिया को पहले ही अप्रोच पहले ही प्लान एक्टिव फॉर्म में आना होगा, ऐसा नहीं है कि पहले चाइना कुछ एक्शन लेता है उसके बाद इंडिया एक्शन ले रहा है, इंडिया को चाइना से एक्शन लेने से पहले ही एक्शन लेनी होगी, मतलब प्रोएक्टिव मतलब चाइना जिससे एक्शन लेगा उससे पहले ही इंडिया को एक्शन लेनी है उसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच है वो लेनी होगी इंडिया को ताकि चाइना कुछ कर ही ना पाए, ऐसा नहीं कि चाइना पहले कुछ कर दे उसके बाद इंडिया कुछ स्टेप आ रहा है, मतलब रिएक्टिव अप्रोच के बजाय इंडिया को प्रोएक्टिव अप्रोच पे फोकस है वो करना होगा। ये था आर्टिकल, अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो मैंने क्लाइमेट चेंज से आया है, तो इस आर्टिकल के बारे में जो दो तीन पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इस आर्टिकल में दो पॉइंट्स वो कहा गए हैं। इस आर्टिकल में क्लाइमेट चेंज और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्लाइमेट चेंज की बात ये आती है कि आज के टाइम पे वेदर है वो भी काफी इनरेगुलर हो रहा है और क्लाइमेट की बात करें वो भी इनरेगुलर होता जा रहा है। तो सबसे पहले तुम देख लेते कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। वेदर का मतलब होता है कि डे बाय डे, जैसे कि आज का वेदर कैसे रहा, आज गर्मी रही, आज ठंड रही, आज बारिश हुई, वो तो होगा वेदर। वेदर होता है डे बाय डे का, और जबकि क्लाइमेट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म का। क्लाइमेट का मतलब होता है जैसे कि 3-4 महीने का, जैसे भी कहते नहीं है कि इस बार गर्मियों में गर्मी नहीं थी, इस बार गर्मी में मतलब थोड़ा ठंडा सा मौसम था, सर्दियों में जैसे, तो वो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट ही होता है वो होता है लॉन्ग टर्म, और वेदर होता है वो होता है डे बाय डे का। लॉन्ग टर्म का मतलब 3-4 महीने, 5-6 महीने, 7-8 महीने, इस तरह का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसको तो कहते हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह, और डे बाय डे होता है उसको कहते हैं वेदर। तो ये हमें बेसिक थोड़ा डिफरेंस हो पता होना चाहिए। जैसे आजकल हो क्या रहा है, गर्मियां काफी गर्म होती जा रही हैं, विंटर्स हैं वो काफी मतलब जितनी ठंडी होनी चाहिए उतनी ठंडी नहीं रहती है, काफी कम ठंडी होती जा रही है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है, क्लाइमेट चेंज वो काफी रेपिडली से हो रहा है। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश की इकोनॉमी है ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी है कि हमारे देश में आज भी मैक्सिमम लोग हैं रोजगार के लिए जो कुछ भी हो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड है, इसलिए अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही भुगतना होगा, मतलब ऑल ओवर बात ऐसी है कि भाई इंडिया को ही नुकसान होने वाला है। बात की जाए साउथ ईस्ट जो साउथ इंडिया के सॉरी साउथ इंडिया की बात की जाती है यहाँ पे कि साउथ इंडिया की जो रिवर है ना वो आज मानसून पे डिपेंड। देखो नॉर्थ एरिया की जो रिवर है वो तो हिमालय से आती है, तो हिमालय में तो क्या बर्फ का पानी उनको एनी टाइम मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है, बट साउथ इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर है वो वो मानसून पे डिपेंड करते हैं कि भाई मानसून अच्छा होगा तो उनमें पानी होगा, मानसून अच्छा नहीं तो पानी नहीं होगा। और आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया की जो खेती है 52-56% खेती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर वाली वो केवल और केवल बारिश पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसे माहौल में अगर बारिश इनरेगुलर होगी तो ऑब्वियसली हमारे देश की खेती पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर खेती अच्छी नहीं होगी तो आपको
पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तुम्हारी इकोनॉमी को भी नुकसान होने वाला है। मतलब बात साफ साफ ये है कि हमें भाई हम क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको हमें काउंटर करना होगा, उसके लिए हमें एक्शन है वो लेनी होगी। इसके लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है उस पर फोकस करना होगा। फिर यहाँ पे राइटर को सुझाव भी दे रहे हैं, कार्बन क्रेडिट वगैरह की बात भी की जाती है। तो कार्बन क्रेडिट वगैरह की क्या है वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो है कि हमें तो जो कार्बन का उत्सर्जन है वो करना कम करना होगा। मतलब हमें कार्बन जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इनका यूज कम करना होगा ताकि इन्वायरमेंट में कार्बन उत्सर्जन कम हो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट वो भी कम होगा और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पर भी लगाम लगेगी। इसके बाद में आते हैं कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ETS, इसके ऊपर फोकस करना होगा। ETS का मतलब होगा कि इसमें कार्बन की एक लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भाई ये बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है ये एक साल में केवल जैसे कि 100 किलो कार्बन है, केवल एग्जांपल ले रहे हैं, केवल 100 किलो कार्बन है उसका उत्सर्जन कर सकती है। अगर इससे ज्यादा इसने उत्सर्जन किया तो इसको फाइन देना होगा जितना भी उत्सर्जन करेगी, और इससे कम करेगी तो वो इसकी मर्जी है। अब बात ऐसी जैसे कि ये बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री को 100 किलो का टारगेट देगी भी आप 100 किलोग्राम तक के कार्बन का उत्सर्जन है वो कर सकते हो, बट इसने कार्बन का उत्सर्जन किया वो किया 80, मतलब इसने 20 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन है वो बचा लिया। तो वो 20 किलोग्राम जो कार्बन उत्सर्जन है इसको किसी दूसरी फैक्ट्री को बेच सकता है कि भाई आप 20 किलो ज्यादा उत्सर्जन कर लो और आप हमें इसके पैसे दे दो। ये होता है कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट ये चीज भी हमें ध्यान रखनी। इसके बाद में आती है एक लिमिट, जैसे गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी इस बिस्किट वाली फैक्ट्री की, आप 100 का ही उत्सर्जन करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल 80 किया तो 20 का इसके 20 किलोग्राम इसके पास बच गए थे बिस्किट वाली फैक्ट्री के पास, तो इसने क्या क्या किसी दूसरी फैक्ट्री को बेच दिया जो बिस्किट कुछ और बना रही हो और उसका उत्सर्जन फॉर एग्जाम्पल 120 हो गया हो, तो उसको 20 बेच दिया। तो इनने क्या किया, 20 किलोग्राम की दूसरी कंपनी से पैसे ले लिए, तो इसका काम भी बन गया, इसको फायदा हो गया और इस तरीके से बैलेंस है वो अप्रोच बनी आ गई। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का अगर लिमिट लगा देगी कार्बन जो ट्रेडिंग स्कीम है इसके ऊपर कि भाई हर कंपनी के लिए इतनी नहीं है, हर सेक्टर के लिए इतनी नहीं है, तो उससे ये फायदा होगा कि एक तो कंपनियां वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगी, इसके साथ वो कार्बन एमिशंस है उसका ये ध्यान रखेंगी भाई हमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन करना है। अगर ज्यादा उत्सर्जन करेंगी तो उन्हें हैवी फाइन वगैरह देना होगा, तो उसकी वजह से उनको लॉस होगा, तो कंपनियां क्या काफी सोच समझ के चलेंगी। इसलिए इंडिया को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, फिक्स लिमिट है वो लगा देनी चाहिए हर एरिया हर इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ ही राइटर सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि देखो एक पॉलिटिकल इफेक्ट है वो भी हमें नल करना होगा, मतलब राजनीति का इफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि कंपनी है वो किसी प्राइवेट जैसे किसी पॉलिटिशियन वगैरह से रिलेटेड लिंक होते हैं उनके, तो उस कंडीशन में क्या है वो अपने लिए अब जो रूल है वो फॉलो नहीं करती कंपनियां कि यार अपने ही तो पॉलिटिशियन कोई बात नहीं, कितना भी उत्सर्जन हो पॉलिटिशियन अपने ही MP MLA हम इनसे जुगाड़ करवा के कार्बन एमिशन वाला सेटलमेंट है वो करवा लेंगे। तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल व्यू है वो हमें अच्छी लेके नहीं होगी, राजनीति का इफेक्ट है वो कम करना होगा क्लाइमेट के मामले में। इसके साथ ही हमें क्लाइमेट पर फोकस भी करना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी हमें फोकस करना है, मतलब नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और कार्बन फुटप्रिंट है उसके ऊपर ध्यान रखना है कितना कार्बन फुटप्रिंट वगैरह हो रहा है। इसके बाद में बात आती है छोटी सी, राइटर कह रहे हैं वो दिल्ली पोल्यूशन की कि भाई दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी बात एक तो ये कि हमें जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है उसकी एक तो हमें मॉनिटरिंग करनी होगी कि भाई हर कंपनी है जितना टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा तो नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके लिए एक बॉडी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फिक्स कि अगर भाई कोई भी कंपनी इतना टारगेट से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करिए तो उसको हैवी फाइन हो, अगर ज्यादा और भी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रही हो तो उसको कुछ बड़ा फाइन वगैरह, में बहुत क्लियर रिस्ट्रिक्ट है वो रूल होने चाहिए। इसके साथ ही कार्बन टैक्स है वो भी गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं वो यहाँ पे राइटर के द्वारा बताए गए हैं। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो मेरे लिए CSO के डाटा के बारे में आया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका डाटा आया है ऑफिस का, सॉरी इस ऑफिस ने डाटा ये दिया है अपना कि भाई GDP की जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि GDP का जो आंकलन है वो CSO के द्वारा ही किया जाता है मेनली, तो GDP का उन्होंने भी थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है लास्ट की वो भी बताई है सेंट्रल की 7.2। देखो क्वार्टर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो इससे समझते हैं अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर का। थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का, इस तरीके से। तो अभी जो डाटा है वो देखो फर्स्ट क्वार्टर का हम देखें लास्ट ईयर का, वो था अप्रैल से जून का। अप्रैल से जून की जो ग्रोथ रेट थी GDP वो थी 5.7%। सेकेंड क्वार्टर का डाटा था वो था 6.5%, और थर्ड क्वार्टर का डाटा है 7.2%। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ग्रोथ रेट GDP हमारी लगातार आगे बढ़ जा रही है, मतलब ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूती जा रही है। बट यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो GDP बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत अच्छी तारीफ लाइक बात है, बट लेकिन हमें इसे मेंटेन करके चलना होगा, मतलब हमें इसे कंटिन्यू मेंटेन करके, ऐसा नहीं है कि अभी तो 7.2 और अगले ही क्वार्टर के अंदर 5.2 पे आ जाए, मतलब एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ग्राफ हो इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता जा रहा है, ये वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से ऊपर जाना चाहिए ताकि ग्रोथ रेट कंटिन्यू मेंटेन रहे, हमें इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बात आती है कि कोर इंडस्ट्री का जाता है वो भी अभी तक अच्छा है, 8 कोर इंडस्ट्री जाती है वो हमने काफी बार डिस्कस भी किया है,
इसके बाद में आते हैं कि जीडीपी। देखो जीडीपी है वो ऑल ओवर कंट्री की काउंट की जाती है कि भाई पूरी वर्ल्ड की मतलब पूरे कंट्री की कि कितना टोटल प्रोडक्शन है उसके फाइनल वैल्यू के आधार पर जीडीपी काउंट की जाती है। और ग्रोस वैल्यू ऑडिट में क्या होता है, ग्रोस वैल्यू ऑडिट में पर्टिकुलर एरिया की जैसे कि सीमेंट का होगा या एक पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया की जो जो ग्रोथ है उसको काउंट किया जाता है ग्रोस वैल्यू ऑडिट के अंदर। इसके साथ ही फिर डायरेक्टर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो एक तो हमें जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना होगा क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो फिजिकल डेफिसिट पर कंट्रोल नहीं कर रही है तो इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। और उसके साथ जो बैंकिंग जो घोटाले हो रहे हैं जो आजकल हम देख रहे हैं पीएनबी हो रोटोमेक कंपनी वाला हो से और भी घोटाले देख लो सारे लोग घोटाले ज्यादा आते हैं पीएनबी की है और एनपीए वगैरह वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी कदम उठाना चाहिए और जो गवर्नमेंट को लोगों का ट्रस्ट है उसे लगातार बरकरार है वो रखना होगा। इसके बाद में देखो आगे आर्टिकल आया हुआ है अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या क्या वो देख लेते हैं। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है अफगानिस्तान और तालिबान कि भाई अफगानिस्तान ने तालिबान को इन्वाइट किया कि साहब आप आइए और सत्ता में आप एक तरीके से इलेक्शन लेके ढंग से पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि अब अफगानिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक एक लिमिट के बाद तालिबान का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यूएस से वो भी वहां पे कुछ नहीं कर पाया 2000 से यूएस से अफगानिस्तान में पैर जमाए बैठा है बट फिर भी वो तालिबान को नहीं उखाड़ पाया। तालिबान को यूएस से इसलिए नहीं उखाड़ पा रहा क्योंकि देखो यूएसए है सॉरी अफगानिस्तान है उसकी पड़ोसी कंट्री कौन सी है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो जब पड़ोसी ही सपोर्ट करने लग गए हो तो यूएसए कहाँ तक सपोर्ट करेगा बेचारा। यूएसए क्या कर सकता है क्योंकि जब पाकिस्तान तो लगातार टेरर फंडिंग दे रहा है तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे माहौल में तालिबान को अफगानिस्तान से निकालना नामुमकिन हो गया। और इसी माहौल में अफगानिस्तान ने कहा है तालिबान को कि भैया आप आइए और सत्ता के अंदर आप इलेक्शन ले पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और उसके बाद आप सत्ता में भाग गए वो लीजिए ताकि वहाँ पे शांति है वो बनी रहे क्योंकि काफी जाने जा चुकी हैं इसीलिए बात ये मतलब दोनों साथ आएंगे अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और वो तालिबान आपस में आके एक गवर्नमेंट है वो बनाएंगे इसकी बात की जरिए। बात ऐसी है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना क्योंकि चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जरूरत है तो सीपेक है वो चाइना से होते हुए जा रहा है तो इसलिए चाइना चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ उसकी बनती रहे तो चाइना पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है फिर पाकिस्तान वो फंडिंग वो तालिबान को दे रहा है और तालिबान आतंकवाद वो मचा रहा है अफगानिस्तान में ये वाला सीन है। यूएसए है उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, यूएसए लगातार कोशिश तो कर रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा तो फिर तालिबान ने सोचा कि सॉरी अफगानिस्तान ने सोचा कि भाई क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें हम आगे चलें। आगे जो एक आर्टिकल था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें ये पॉइंट थे आज का टॉपिक था फ्राइडे का वो था कि भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है बौद्धिक जो हमारी क्षमता वगैरह है जो कृत्रिम एक तरीके से मान जो माइंड है उसकी बात है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए खतरनाक है या नहीं है इसके बारे में था। तो एक मास्या कह रहे हैं कि हाँ जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानवता के लिए खतरनाक है। तो इनका ये कहना है कि भाई टेक्नोलॉजी है वो इंसान के अकॉर्डिंग होती है, इंसान जैसी टेक्नोलॉजी रहता है वैसी होती है बट कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बड़ा विकराल रूप लेती है और इंसान के कंट्रोल में नहीं रहती है। एक बार ये भी कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव होता है, डिपेंड इस चीज़ पे करता है इंसान पे कि उसको किस तरीके से यूज करना चाहता है बट इंसान के द्वारा रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बात ये आती है कि देखो इंसान है उसमें फीलिंग होती है इमोशंस होते हैं बट मशीन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम मशीन के अंदर दिमाग दे देंगे तो उसमें क्या होगा फीलिंग और इमोशन नहीं होंगे तो वो लोगों की भावनाएं वगैरह को इमोशंस को नहीं समझ पाएगा इसलिए वो क्या करेगा जैसे रूल है वो डिक्टेटर बन जाएगा जिस तरीके से हिटलर बना था। तो वो वाली बात यहाँ पे की जाती है कि ये अच्छी बात नहीं है। जैसे रोबोट बना दिया उसको कह दिया कि भाई हाँ तेरे को तो मारना है तो लोगों को मारेगा सीधी सी ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें फीलिंग वगैरह तो होगी नहीं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेकार है। बट ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अच्छी इसलिए नहीं है बात की जाती है कि हिटलर की जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं हिटलर का कि देखो हिटलर था ना वो तो एक इंसान था हो सकता है चलो वो बहुत बुरा था कुछ टाइम बाद क्या वो अपने आप खत्म हो गया बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खत्म नहीं होती है। जैसे हमने एक बार मशीन को दिमाग दे दिया तो ऐसे थोड़ी कि वो 100 साल तक चलेगा वो तो आगे जब तक वो मशीन खराब नहीं होगी तब तक आगे वो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो भी उसमें हमने अब सॉफ्टवेयर अगर अपडेट कर दिया तो वो खत्म हो जैसे आइंस्टीन की बात लो आइंस्टीन का दिमाग था तो आइंस्टीन मरा उसके साथ ही आइंस्टीन का दिमाग वहीं पे वहीं खत्म हो गया स्टोरी देन। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म थोड़ी होने वाली है वो तो नो डेथ को वाला कॉन्सेप्ट है वो तो लगातार अमर रहेगी तो इसलिए उसको खत्म करना काफी नामुमकिन होता है। अगर गलत बन गई तो उसका काफी विनाश हो सकता है तो इसलिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। नहीं वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है इंसान के लिए खतरनाक नहीं है। ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा बनाई जाती है, बनाई तो इंसान के द्वारा ही बनाई जाती है मतलब बात साफ ही है कि इनपुट तो इंसान ही दे रहा है ना इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि घूम फिर के इनपुट तो इंसान देगा कहीं ना कहीं। अगर इंसान अच्छा इनपुट देगा तो क्यों हमें डरने की बात है क्योंकि इंसान तो हमेशा अपने लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेगा इंसान थोड़ी जानबूझ के बुरा करेगा। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनपुट अगर इंसान दे रहा है मशीन बनाई तो मशीन को बनाने भी तो इंसान का योगदान है ना। तो
जब तक मशीन को बनाने में हो या इनपुट इंसान के द्वारा जाता है तो हमें वेरी करने की क्या बात है। जब हम इनपुट ही हम दे रहे हैं तो हमें इसमें टेंशन नहीं लेनी है। एक साथ ही बात है कि हमें पॉजिटिव में फोकस करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे लेके जाना चाहिए। और हमें जो जैसे ऑपरेशंस वगैरह की बात होती है तो आजकल काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किए जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। काफी जैसे कहीं आग वगैरह लग जाती है तो रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी अच्छा यूज है, तो हमें इसे आगे कंटिन्यू बढ़ाना चाहिए। तीसरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इनका ये पॉइंट कहना है कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब ऑल ओवर बैलेंस अप्रोच दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। एक के लिए हो सकता है वो अच्छा हो तो दूसरे के लिए बुरा हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया की जो आर्मी है वो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है, बट वही पाकिस्तान के लिए तो दुश्मन होगी ना। तो ये बताया कि एक के लिए तो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा, तो वो बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा भी है। यहाँ पे बात है कि हमें एथिकल वे में रेगुलेट करना चाहिए, किसी मानवता को नुकसान ना हो, इसलिए हमें सोसाइटी फ्रेंडली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आगे लेकर आना चाहिए। मतलब सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी तरीके से, और रिसर्च एंड डेवलप है ना R&D पे उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा और टेक्नोलॉजी वो नहीं आगे वो लेकर आनी चाहिए। रिसर्च देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, बट इंसान के दायरे में रहेगी, ऐसा नहीं कि हमें हमारी लिमिट है वो क्रॉस कर देनी है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, एक बार फिर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।